Welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे chapter 4 के section 19 से start करेंगे और 25 तक इसकी क्या है समझेंगे. तो अपने previous video मैंने आपको बताया था chapter 4 के जो sections थे उनको बताया था. आज जो आधा सेक्शन है उनको बताएंगे. तो चैप्टर 4 काफी लेंथी है तो वन बाय वन इसे के सारे सेक्शन क्लियर करेंगे. साथ ही साथ अपनी जो चैप्टर 3 तक मैं आपको कंप्लीट कर चुकी हूँ तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो इससे रिलेटेड देख सकते हैं, द भारतीय न्याय संहिता 2023 की. तो स्टार्ट करते हैं. तो सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है एक्ट लाइकली टू कोज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड ए प्रिवेंट अदर हार्म. कार्य जिससे अपहानी किसी तरह की हानि होना संभाव्य है कि हो सकती है ऐसी हानि, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानी के निवारण के लिए किया गया है. यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं पहले फिर समझते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि ए जो है जो एक जलयान का क्या है कप्तान है, अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपनी किसी गलती के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलमार्ग का जो जलयान है उसका मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके वह 20-30 यात्रियों से भरी नाव खा को क्या है टकराकर डुबो देगा. वह इस सिचुएशन में है कि अगर उसने अपना जो जलयान है जो वो चला रहा है अगर उसके क्या है मार्क को चेंज नहीं किया, उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं किया तो वो है 20-30 यात्रियों की भरी नाव को गिरा देगा, टकरा के डुबो देगा. और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्री वाली नाव गा को डुबाने का जोखिम उठाना पड़ता है. एक नाव पे क्या है 20-30 यात्री और एक नाव पे क्या है 1 या 2 यात्री हैं. तो वह क्या है जो एक नाव जिसमें 20-30 यात्री हैं उससे टकराने की जगह वह सोचता है कि जो 1-2 यात्री हैं वो वाली नाव से अगर टकराया जाएगा तो क्या है 20-30 यात्री बच जाएंगे. तो वह ऐसा जोखिम उठाता है जिससे वह संभावतः बचाकर निकल जाए. यदि का नाव गा को डुबोने के यदि ए जो है नाव सी को डुबोने के लिए किसी आशय के बिना या नाव जो बी है को यात्रियों को संकट से बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, यद्यपि वह नाव गा को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो सकती है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता था. वह जानता है कि अगर वह गा के अगर नाव से जो सी की नाव है उससे टकराई तो क्या है वो 2 यात्री वाली नाव क्या है गिर सकती है, डूब सकती है. लेकिन उसने क्या कहा कि अगर 20-30 यात्रियों से भला क्या है कि 2 यात्री वाली नाव डूब जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरह का जोखिम उठाता है. तथापि तथ्यतः यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे बचाने का उसका आशय था, जिससे नाव गा डुबोने का जोखिम उठाना काफी माफी योग्य है तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है. तो इस तरीके से वह किसी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि या तो 20-30 यात्रियों की नाव से उसकी जो जलयान है वो टकराएगी या जो 1-2 यात्रियों की नाव है उससे टकराएगी. तो वह सिचुएशन में है कि वह क्या करे. तो उसने कहा कि 20-30 यात्रियों को बचा लिया जाए, अगर 1-2 से अगर कोशिश तो ये है कि निकल जाए लेकिन अगर टकरा जाती है तो उसको इसमें वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा. तो पहले इसका एक एग्जांपल और बाद में बताऊंगी उससे क्लियर हो जाएगा, पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन. तो कोई बात केवल इस कारण से अपराध नहीं है, नथिंग इज एन ऑफेंस मर्ली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कोज हर्म एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज और प्रिवेंटिंग एंड अवॉइडिंग आफ्टर हार्म और टू द पर्सन एंड प्रॉपर्टी.
कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे क्या है किसी तरह की हानि होना संभाव्य है। यदि वह हानि या अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आश्रय के बिना, किसी तरह का क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है इसमें, और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक की गई हो, तो वह अपराध नहीं कहलाएगी। तो ये जनरल एक्सेप्शन में आया है, साधारण अपवादों में इस तरीके के आए हैं कि इस तरीके कार्य होते हैं वह अपराध नहीं कहलाएंगे। इसका क्लेरिफिकेशन है, स्पष्टीकरण है कि ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की या इतनी आसन्न थी कि कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे हानि होना संभावित है करने के जोखिम उठाना न्यायमूर्ति और माफी योग्य था। तो इस तरह का कहिए फैक्ट्स को देख के ही क्या है, हर केस में ऐसा नहीं हो सकता, फैक्ट्स को देख के ही क्या है, इस तरीके के जो जजमेंट होंगे वो लिए जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड एंड अवॉइडेड वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इन इंटीमेटेड एज टू जस्टिफाई एन एक्सक्यूज ऑफ रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि इसका क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। ए इन ए ग्रेट फायर पुल डन हाउस इन अदर टू प्रिवेंट द कन्फ्लिगेशन फॉर द स्पेंडिंग ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ टू सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। का एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलाने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावना पूर्वक करता है। हेयर इफ इट बी फाउंड दैट द हार्म टू बी प्रिवेंटेड वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट एज एक्सक्यूज एज एक्ट ए नॉट गिल्टी ऑफ ए ऑफेंस। यानी कि यदि यह पाया जाता है कि रोके जाने वाले जो हानि इस प्रकृति की है और इतनी आसन्न है, इस नेचर की है कि का कार्य माफी योग्य है, तो का उस अपराध का दोषी नहीं है जो उसने करा कि एक बड़े अग्निकांड से बचाने के लिए वह घरों को घिरा देता है जिससे कि मानव जाति की सेविंग हो और संपत्ति प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। अगर उसने इस इंटेंशन से किया है तो यह फैक्ट्स देखने के बाद कि अगर इस तरीके से सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में किया गया है, तो क्या है यह अपराध का, वो जो ए है वो अपराध का दोषी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 19 क्लियर है? कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेक्शन 20 कहता है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य क्या अपराध है, या 7 से 12 वायु के बालक का जो कार्य है वह क्या अपराध है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे क्या कोई अनसाउंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन जो है, विकृत व्यक्ति है या कोई पागल व्यक्ति है, उसके द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो क्या वह अपराध है। तो इस सब को समझेंगे इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो के साथ। तो 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य, सेक्शन 20 इसकी बात करता है, कोई बात अपराध नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है, ऐसी कोई बात अपराध नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या कहता है? सेक्शन 21 कहता है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज इज इम्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य, कोई
कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of a nature and consequence of his conduct on this occasion। तो वह क्या है, 7 वर्ष से 12 वर्ष यानी 7 वर्ष से ऊपर का बालक है और 12 वर्ष से कम का बालक है तो उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, किसी तरह का कोई अपराध किया जाता है तो वह क्या है जो उसके परिणाम को जो वह नहीं समझ सकता क्योंकि उसकी जो मेंटल जो मेंटलिटी है वो इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह जो कार्य कर रहा है उसकी प्रकृति क्या है, वो अच्छा है बुरा है उसकी प्रकृति क्या है ये समझ सके तो वह कोई अपराध नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत व्यक्ति का कार्य। कोई कार्य अपराध नहीं है या है कि जो विकृत अनसाउंड पर्सन द्वारा अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा किया जाता है। तो समझते हैं सेक्शन 22 में इसको डिफाइन किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट वाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट or that he is doing what is either wrong and contrary of law। कोई ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण और विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो वह अपराध नहीं होती है। तो सेक्शन 22 पे एक कमेंट है जो कमेंट टिप्पणी है जो कहती है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 22 के तहत उल्लेख की गई टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता 1860 की धारा 84 पर आधारित है। इसका केस लो समझते हैं। देवीदास लोक राठौर बनाम कर्नाटक राज्य AIR 2018 SC 3093। इस केस में कहा गया कि कथित तौर पर मृतक और दराती के साथ अन्य घायल व्यक्तियों पर हमले की घटना के ठीक बाद आरोपी का इलाज चल रहा था और घटना के 2 दिन बाद उसे हिरासत में लिया गया। आरोपी की मानसिक स्थिति पर संदेह जताते हुए घटना के ठीक बाद जांच अधिकारी द्वारा आरोपी का मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया। आरोपी को मेडिकल रिपोर्ट दर्शाती है कि वह घटना से पहले मानसिक बीमारी से पीड़ित था और लगातार मनोविकार के प्रति प्रभावकारी दवाएं ले रहा था। आरोपी की बहन और मां के साक्ष्य से पता चलता है कि आरोपी को कई बार बांधना पड़ा और खुद की देखभाल करने में असमर्थ रहा। घटना के समय आरोपी की चिकित्सीय स्थिति के स्थापित होने के कारण अभियुक्त धारा 84 के तहत लाभ पाने और बरी होने का हकदार है। तो इस केस में ये कहा गया देवीदास लोक राठौर बनाम कर्नाटक राज्य के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 23 क्या कहते हैं। सेक्शन 23 कहता है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता के होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अंगेज हिज विल। कोई बात अपराध नहीं है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन
incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong and contrary of law. कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्ता, पागलपन के कारण या किसी तरह की दिमागी हालत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह है कि जो कुछ वह कर रहा है दोषपूर्ण और विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु वह चीज जिससे उसकी मत्तता यानी पागलपन जो है, बीमारी जो है, मानसिक रूप से बीमारी जो है हुई थी, उसको अपने ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध दी गई थी, परंतु वह चीज जिससे उसकी उन्मत्तता हुई थी, जैसे कि किसी को नशा करा दिया जाता है, जबरदस्ती क्या है, नशा करा दिया जाता है, किसी तरह की ड्रग्स दे दी जाती है और उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर वो दी गई है तो वह क्या है, एक्सेप्टेबल है कि हाँ उसने जो किया वह उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे ड्रिंक कराई गई या किसी तरह की ड्रग्स दी गई और उस केस में उसने किसी तरह का क्राइम कर दिया, तो उस केस में उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा इस सेक्शन का। अगर वह उसकी इच्छा से की है उसने, तो उस केस में उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, परंतु वह चीज जिससे उसकी भी मत्ता हुई उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी, तो उस केस में ये सेक्शन जो है 23 वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में किया गया अपराध, यानी कि मत्ता यानी कि किसी ने शराब पी हुई है, किसी ने किसी तरह का ड्रग्स ली हुई है, किसी तरह का नशा किया हुआ है और उस नशे में किया गया कोई अपराध जिससे जिसमें विशिष्ट आशय ज्ञान का होना अपेक्षित है, उन दिशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट कार्य आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्ता की स्थिति में, नशे की स्थिति में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्ता यानी कि जो वह उसने नशा किया हुआ है में ना होता, जब तक कि वह चीज जिससे उसकी मत्ता यानी कि उसकी नशे की हालत हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो, यानी कोई एक्ट किया गया ए के द्वारा किया है, बी को किया है, उसकी इंसल्ट की गई या उसको किया है उसके साथ हाथापाई की गई। अब इस सेक्शन में ये बताया गया है सेक्शन 24 में कि जो व्यक्ति है उसने क्या है, नशे की हालत में है, और नशे की हालत में है तो वह क्या है, अगर उसने अपनी इच्छा से नशा किया हुआ है और वह जो एक्ट कर रहा है, कार्य कर रहा है, अगर वह नशा ना किया होता तो भी वह अगर करता तो उसको पता है उस एक्ट का क्या जो है रिस्पॉन्स होगा, जो कार्य वह कर रहा है उसका रिस्पॉन्स अगर उसने नशा ना किया होता तो भी पता होता, तो उसने खुद से क्या है नशा किया हुआ है, उस केस में तो क्या है वो अपराध कहलाएगा। लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या है, कोई नशा करा दिया गया है और वह क्या है जो कार्य वह कर रहा है उसकी नॉलेज जो है नशे में उसको नहीं हो रही है कि वह विधि के प्रतिकूल कर रहा है, अंगेस्ट ऑफ लॉ कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, किसी की इंसल्ट कर रहा है, किसी के साथ हाथापाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वह क्या है नशे की हालत में कर रहा है और जो नशा किया गया है वो इसकी इच्छा के विरुद्ध कराया गया है, तो उस केस में सेक्शन 24 जो है अप्लाई होगा और वह इसका बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 25, लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का। सम्मति से किया गया कार्य एक्ट नॉट इंटेंटेड एंड नॉट नो to be like to cause dead and grievous hurt done by consent.
सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर पति कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभावना का ज्ञान हो, तो उस केस में क्या होगा? कोई बात जो मृत्यु या घोर हर्ट और पति यानी गंभीर चोट करने के आशय से ना की गई हो या जिसके बारे में कर्ता जो कर रहा है उसको यह ज्ञात ना हो कि उससे किसी की मृत्यु हो सकती है, उसको बहुत ज्यादा गंभीर किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, किसी ऐसी अपहानीय काना अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानी सहन करने की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो कारित हो या कारित होना कर्ता पर आश्रित हो या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानी को जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है उस बात द्वारा कारित होना संभाव्य है। आपको कुछ पल लेनी पड़ा होगा, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए जो है जेड आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानी को किसी तरह की हानि को जो ऐसी पट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध ना होते हुए कारित हो उठाने की प्रत्येक की सम्मति विवक्षित है और यदि जो ए है यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए या को उपहति कारित कर देता है तो ए जो है कोई अपराध नहीं करता है। ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर एम्यूजमेंट। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच ऑफ सफरिंग एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज्ड विदाउट फॉल प्ले एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्टेड जेड ए कमिटेड नो ऑफेंस। तो अगर दोनों आपस में सहमत है और उसके बाद क्या है किसी तरह का कोई काम किया जा रहा है तो वह क्या है? अगर उसमें किसी तरह की गंभीर चोट हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है तो वह क्या है? अपराध नहीं है। ये बताया गया सेक्शन 25 में। लेकिन फैक्ट्स को देखते हुए और काफी चीजें क्या है देखते हुए क्या है इसमें जो इस सेक्शन 25 उसका बेनिफिट लिया जाता है लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 90 से सेक्शन 25 तक क्लियर किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अदर सेक्शन जो है कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फिर लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक से एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियोस देख सकते हैं। इससे अदर वीडियो लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो सीपीसी सीआरपीसी आईपीसी ये न्यू है उसका भी क्या है सारे अपडेट्स देख सकते हैं। लेटेस्ट जजमेंट लेटेस्ट लीगल जजमेंट आप देख सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक से एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।